हत्या के चक्कर में पड़ गए थे 10 साल पहले, और जवानी के इम्पोर्टेंट 10 साल, हमारे जवानी के इम्पोर्टेंट 10 साल उस कुतिया के पीछे छोड़ दिए। हमें पता नहीं था कि ये अपना रंग इस तरह से बताएगी। गहलोत साहब ने उसको करीब लगा रखा था और उसे भ्रम हो गया कि ये गाड़ा तो मैं ही चला रही हूं। गहलोत साहब ने एक झटका मारा, कुतिया पीछे पीछे रगड़ दिया रही है, कुतिया को अपने डोल का पता चल गया और बड़बड़ा रही है, पागल की तरह घूम रही है। आप जानते हो वो कुतिया कौन है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब रही बात उसको छोड़ने की, लोगों ने कहा यार बहुत खास था तू तो उसका, ये क्या हुआ? मैंने कहा भाई मैं क्या लगता हूं उसका, अरे उसी मां की कोख से जो भाई जन्मे थे उसके, उनको खा गया वो। जिन भाइयों ने खून पसीना लगाकर उसको यहां तक पहुंचाया, जिन भाइयों ने उसके लिए जेल जाने का काम किया, उन भाइयों की कुर्बानी पे वो आदमी यहां तक पहुंचा और फिर उन्हीं को खा गया। नजर आ रहे हैं क्या वो भाई साथ में? एक भी भाई चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वो हमें खा गया, उन भाइयों को भी खा गया। अब चैप्टर उसका खुद का भी क्लोज होने वाला है। पिछले दिनों जब गहलोत साहब ने झटका मारा, विधानसभा से आउट किया गया, उसके बाद कहता है महिला सम्मान के लिए मैं रैली निकाल रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, अनाप शनाप पागल की तरह घूम रहा था, और घूमता घूमता उदयपुर वाटी पहुंच गया। उदयपुर वाटी जब पहुंचा तो उनकी वाइफ सम्माननीय निशा कंवर जी वहां बैठी थी स्टेज पे, उनकी बेटी जो हमारी भी बहन है वो स्टेज पे बैठी थी, और उस स्थिति में उस पागल आदमी ने किस तरह के शब्द काम में लिए आप सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। और इस तरह के सम्मानित स्टेज पे मैं बोल भी नहीं सकता, और फिर कहता महिला सम्मान कर रहा हूं। भाई साहब कौन सा महिला सम्मान है, होता है कैसे महिला सम्मान? ये तमाम सारी चीजें एक की पता चल गई आपकी। दूसरे वाला तो वैसे ही आपको पता है दूसरे जिले वाला है, वो कुछ नहीं करने वाला। यहां भूल से भी आपने अगर समर्थन कर दिया दूसरे आदमी का तो अपन को कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी सीएम साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं तो मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, आपको छोटा सा जीत का गणित बता रहा हूं कि भगवान राम जी कैसे जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे जीत रही है, अशोक जी गहलोत कैसे जीत रहे हैं। हमारे उदयपुर वाटी में करीब करीब लोग जाति के हिसाब से वोट डाल देते हैं, भगवान राम जी को पढ़ने वाले वोट भगवान राम जी को पड़ जाएंगे, चौधरी जी को पढ़ने वाले उनको पड़ जाएंगे, तीसरे को पढ़ने वाले उसको पड़ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का जो मूल वोट है एससी एसटी और मुसलमान, इन लोगों ने सौगंध खाई है कि हम इस अत्याचारी को, स्पेशली मुसलमानों ने, कि जिन्होंने हमारे बच्चों को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया, दोनों ने मिली भगत करके, एक का काम नहीं था, दोनों ने किया मिलके, वो बच्चे 4-4 साल से पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं। पिछले दिनों उनकी कार्रवाई के लिए मैं मेरे लेटर पेड पे सीएम साहब को सीएमआर जाके वो कार्रवाई भी चलाई, कार्रवाई आगे तक बढ़ भी गई, क्योंकि मुकदमे झूठे थे इसलिए हटने लाजमी है, हट जाएंगे, बीच में आचार संहिता आ गई थी, चुनाव के बाद हट जाएंगे। तो ये जो लोग मैंने बताए 3 एससी एसटी और मुसलमान, 65,000 वोटर हैं ये, इन लोगों के 50,000 वोट पोल होंगे, और 50,000 वोटों में से 40,000 से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को डालने का ये काम कर रहे हैं। और यहां भी जो लोग बैठे हैं इसमें सबसे ज्यादा एससी एसटी और मुसलमान लोग हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो हाथ खड़े करके इस बात का समर्थन करें। अशोक गहलोत राम राम भाई। मैंने कहा ना ये हमारा सूर्य कुमार यादव है, शॉट उल्टे सीधे खेलता लेकिन जाते बाउंड्री से बाहर ही है। हमारे बीच टोंक के पूर्व सरपंच 2 बार के रहे भाई मूलचंद जी सैनी यहां पर विराजमान हैं, कहीं न कहीं जरूर वो बैठे हैं। मंचा सिंह जो लिस्ट थी उसमें उनका नाम था, शुरू में हमने अनाउंस भी किया लेकिन शायद हमारी बात वो सुन नहीं पाए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। मूलचंद जी सैनी पूर्व सरपंच पोंक, आइए
मैं बिना किसी भूमिका के, अब आपको तैयार होना है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही समय बाद हमारे बीच में होंगे, उनके लिए जोश है। अरे जरा जोर से जवाब, जोश है। ये 25 तारीख तक बरकरार रखना है। आइए, पूर्व कृषि अधिकारी श्री रामकरण जी सैनी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। श्री रामकरण जी सैनी साहब, सम्मानित मंच, आज की सभा में पधारे हुए युवा साथियों, बुजुर्गों, महिलाओं, भाई बैठ जाए। अभी आ रहे हैं, अभी बैठ जाए, अभी एक बार बैठ जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बार भगवान राम जी 20,000 से भी अधिक वोटों से जीत रहे हैं। ये स्थिति तो आज की तारीख की है, अभी तो 8-9 दिन पड़े हुए हैं। जब इस विधानसभा क्षेत्र की जनता आज की इस भीड़ को देखेगी तो ये जीत का जो अंतर है वो 30,000 से भी अधिक का होगा। आप लोगों के जुनून और जोश को देख करके लगता है कि 30,000 से अधिक से वोटों के अंतर से हम ये चुनाव जीतेंगे। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें भगवान राम जी मात्र 5-6 हजार वोटों से चुनाव हारे थे। पिछली बार की स्थिति अलग प्रकार की थी। भगवान राम जी विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे थे, जनता में काफी उत्साह था। भगवान राम जी को आत्मविश्वास कुछ ज्यादा हो गया था, उन्होंने थोड़ी मेहनत कम की। देख लें तो एक बार बोलो, बोलो आप, बोलो बोलो, वो गायब हो जाए। हाँ भाई, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। सारे लोग एक बार शांति से बैठ जाए। फूफा जी आपने कन्ने ऐसी चिटकी ले पाते हैं, रुक गा बे, बैठो। आप देखिए, हम 30,000 से भी अधिक मतों से कैसे जीतेंगे, इसका सीधा साधा सा आंकड़ा है। पिछली बार 53,000 वोट मिले थे, अब की बात 30,000 अतिरिक्त वोट कैसे मिलेंगे। सरकार ने बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, तो जनता निश्चित तौर से इन योजनाओं का जो लाभ ले रही है वो अपनी आत्मा की पुकार से कांग्रेस को वोट देगी। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए कई शानदार योजनाएं दी हैं। जितने भी प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो ओपीएस, जो पेंशन योजना है, वो मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर पहली बार वापस लागू की है। अपने विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है। क्षेत्र में बहुत घुमा हूं, जितने भी सरकारी कर्मचारी संपर्क में आते हैं और जनता बताती है, तो इस बार जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं
अधिकतर सरकारी कर्मचारी कांग्रेस सरकार को ही वोट देंगे, है कि नहीं? इसके अलावा जो मोदी सरकार गैस का सिलेंडर 1150 रुपए में दे रही थी और जनता की महंगाई से कमर टूट रही थी, उसी 1150 के सिलेंडर को राजस्थान सरकार मात्र 500 रुपए में दे रही है। तो जो भी इस योजना का फायदा ले रहे हैं वो निश्चित तौर से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। इसके अलावा सरकार महिलाओं को लगभग 10,000 रुपए का मोबाइल है वो फ्री के अंदर दे रही हैं, तो महिलाएं कांग्रेस के पक्ष में बढ़ चढ़ करके अपना मतदान करेंगी। इसके अलावा भी इतनी सरकार ने योजनाएं दी हैं, एक से बढ़कर के एक योजनाएं हैं। जब गहलोत सरकार पिछली बार थी उस समय सरकार की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं थी, लेकिन पिछले 5 साल में राजस्थान सरकार ने 103 से भी अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। तो जो भी इन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में मतदान देंगे। इस मंच पर बैठे हुए लोग और इस सभा में जितने लोग पधारे हुए हैं, हर व्यक्ति को राजस्थान सरकार की और खास तौर से मुख्यमंत्री महोदय की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अपने में से यहाँ उपस्थित ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का किसी ना किसी प्रकार का फायदा नहीं पहुंच रहा हो। तो जनता निश्चित तौर से मुख्यमंत्री महोदय की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जिनका वो फायदा ले रही है वो आत्मा की पुकार से मतदान करेंगे। और जनता की आत्मा की पुकार कह रही है कि अब की बात तो कांग्रेस सरकार को वापस लाना है, गहलोत को वापस राजस्थान का चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है। तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग आपके जानकार विधानसभा क्षेत्र में दूसरे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, सभी लोगों को संदेश पहुंचाना है कि अब की बार अपना मतदान कांग्रेस के पक्ष में और वो भी श्री भगवाना राम जी के पक्ष में करना है। और भगवाना राम जी को 30,000 से भी अधिक मतों से विजयी बनाना है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो मतदान की जो पेटी होगी, यानी जिसको अपन ईवीएम मशीन कहते हैं, उसमें भगवाना राम जी का जो चुनाव चिन्ह है वो सबसे ऊपर ही ऊपर है। तो आपको किसी भी को उस चुनाव चिन्ह को ढूंढने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो 25 तारीख को ईवीएम मशीन पर सबसे ऊपर भगवाना राम जी के निशान पर बटन दबाकर उनको विजयी बनाना है। धन्यवाद। जय भारत। भगवाना राम जी जिंदाबाद। आप लोगों ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुन ली होगी, कुछ ही समय में हमारे बीच में होंगे। जोश आप लोगों का बरकरार, ये उमंग उत्साह बरकरार। अशोक गहलोत, भगवान राम सानी। अब एक बहुत भारी भरकम आदमी को बुलाना चाहूंगा। आप भले तोल लेना, 100 किलो से ज्यादा वजन है, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना बड़े अच्छे अच्छे किस्से उनके साथ घटित है वो मेरे पास है। थोड़े दिनों पहले कुछ अलग विचारधारा थी, अब एक अलग विचारधारा है। मैं उनको बुलाऊं उससे पहले कुछ व्यक्तित्व जो कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता आज यहां पर ग्रहण करेंगे, श्री विजयपाल जी भाटीवाड़, श्री ख्याली राम जी पूर्व सरपंच, भैया अपने परिवार में आ रहे तालियां बजाते रहे जरा, श्री हंसराज जी कबीर, वो मंच के पास आ जाएं, श्री सोहनलाल जी मास्टर मंडावरा, और एक तो बड़ा विकेट गिर रहा है बीजेपी का, आज बहुत बड़ा विकेट गिर रहा है।
उनका पंचायत समिति सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी से चुना गया था, कांग्रेस और अशोक गहलोत से प्रभावित होकर के आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, श्री धन्नाराम जी, पंचायत समिति बागोड़ा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाइए उनके लिए, स्वागत कीजिए। श्री सत्य कुमार तानिया, पूर्व सरपंच। श्री अर्जुन लाल वर्मा, पूर्व सरपंच। श्री रोशन वर्मा मणकशास, इन सभी का कांग्रेस पार्टी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी की वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। कृपया मंच के सामने आ जाएं, वो पास में आ जाएं, जहां तक मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, मेरा उनसे निवेदन है कृपया मंच के सामने, ये जो डीजो बनाई गई है इसीलिए बनाई गई, आ जाए। और अब आइए, मैं बात कर रहा था जिस व्यक्तित्व की, वो भी दूसरा सूर्य कुमार यादव ही है, वो भी उल्टे सीधे शॉट खेलता है लेकिन लगातार चौके छक्के हैं। मैं पोक के पूर्व सरपंच श्री मूलचंद जी सैनी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। ये हमारे मंच से बोल रहे हैं, इसलिए जोरदार तालियां इनके लिए। अशोक गहलोत, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। मैं जिस जगह से आया हूं वो जगह मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का कैंडिडेट है, दोनों मिले हुए हैं। आज से दो महीने पहले हमारे पार्टी के एक नेता ने मेरे से पूछा कि इस दोनों में से बीजेपी की टिकट कौन से को दे। मेरे दिमाग खराब हो गया, मैं साहब ऐसे कैसे, एक पहले कांग्रेस छोड़ के आया है और शिवसेना में दूसरा बीजेपी का है, बोले ये दोनों आदमी अपने हैं। तो मैं तो उदयपुर वाटी की जनता को ये कहना चाहता हूं, ये दोनों आदमी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं उसी परिवार से आया हूं, उनकी बेईमानी मेरे से, मेरी बेईमानी देख से मेरे को रहा नहीं गया। तो मेरा तो यह कहना है, वोट देना अशोक गहलोत। और जितने लोग आए उनको, एक एक आदमी को 10-10 वोट डालने हैं 25 तारीख को। राम राम साहब। मूलचंद जी ने अपनी बात बता दी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2 मिनट में हमारे बीच यहां पर पहुंचने वाले हैं। आइए हम सब मिलकर के उनका तहे दिल से स्वागत करें। मैं तस्वीर साहब से निवेदन करूं कि कुछ ओजस्व नारे यहां पर लगवाएं। अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह जी डोटासरा, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अरे थोड़ो जचर लगाओ, बेरो पड़ा सारा भाई, बैठ जाओ, आ रहे हैं ना, ये आगा बैठो सारा का सारा, और जोरदार एक बार हो जो, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, चौथी बार कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक जी गहलोत, कांग्रेस पार्टी, चौथी बार। अभी हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियां बजाएं।
कांग्रेस आई, आई 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 बीजेपी की करा विदाई, आई आई बीजेपी की करा विदाई, आई आई। मैं हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्री भगवाना राम जी सैनी साहब से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साफा पहना कर और माल्या अर्पण कर स्वागत करें श्री भगवाना राम जी सैनी साहब। मैं निवेदन करूंगा श्री भोला राम जी सैनी पूर्व विधायक साहब से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का साफा पहना करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करें। मैं निवेदन श्री राम निवासी सैनी चेयरमैन नगर पालिका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन श्री रविंद्र जी भड़ाना साहब से कि माननीय मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मेरा निवेदन ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल जी सैनी साहब से हमारे गुड्डागौर जी के ब्लॉक अध्यक्ष साहब से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा निवेदन एमडी चौधरी साहब से कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं श्री मूलचंद जी सैनी पूर्व सरपंच से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। दोस्तों हमें स्वागत सत्कार से ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनना है। उनको सुनने से पहले मैं हमारे एक दो नेताओं को आप लोगों की तरफ लेके आता हूं। आइए सबसे पहले मैं बिना किसी भूमिका के कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी श्री भगवाना राम जी सैनी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो स्वागत भाषण दे श्री भगवाना राम जी सैनी। आज के दिन सम्मानीय एक मिनट सम्मानीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी के वलत पधारे हैं। मैं आप लोगों की तरफ से बैठिए बैठिए आप लोगों की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप इनका स्वागत जोरदार तालियों से करें। आज आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मौसम खराब हो गया, साहब को आने में कुछ देरी हुई है और वापस जाने में भी हेलीकॉप्टर की में दिक्कत आएगी, तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आज जो मैं बोल रहा हूं साहब के आशीर्वाद से मुझे आपके बीच में भेजा है और आपके बीच में मैं हूं। आज साहब को ही सुनना है और इनके सुनने के लिए सभी लोग आए हैं, तो मैं कम समय लेकर के आपसे इजाजत ले लूं कि साहब ही बोले। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कैबिनेट मंत्री और झुंझुनू कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय बिजेंद्र जी ओला साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब उदयपुर वाटी से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी श्री भगवाना राम जी, आदरणीय मंच मुख्यमंत्री जी आज आपके बीच में पधारे हैं, वोट की अपील करने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। भगवाना राम जी को पूरी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के पूरे नेतृत्व में यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। हम सबका यह दायित्व है कि हम उनको सफल बनाएं। कांग्रेस हर वर्ग की पार्टी है, हर वर्ग को साथ लेके चलती है। कांग्रेस गरीब की है, किसान की है, ओबीसी की है, SC ST की है, हमारे सभी वर्गों की पार्टी है, हमारे अल्पसंख्यकों की पार्टी है, 36 जमात की पार्टी कांग्रेस है। और उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं। गरीब को गणेश मानते हुए हर वर्ग के लिए एक से एक बढ़ के योजनाएं चालू की हैं। और आज हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम कांग्रेस को राजस्थान में दोबारा लाएं। एक रिवाज चल रहा है, उस रिवाज को बदलें और कांग्रेस सरकार बनाने में आप यहां से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को जिता के और उसमें अपना योगदान दें। श्री भगवाना राम जी पिछली बार भी उम्मीदवार थे, थोड़े से मतों से वो रह गए थे,
इस बार आप सब अपने आप को भगवाना राम जी समझें और मुख्यमंत्री जी की बात पर और कांग्रेस नेतृत्व के निर्णय पर मोहर लगा के श्री भगवाना राम जी को यहां से सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच खेतड़ी के पूर्व विधायक आदरणीय दाताराम जी गुजर साहब भी यहां पर विराजमान है, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इन दो पंक्तियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा कि बीच भवन में नाव फंसी है, पार लगाओ पोत को, और बच्चा बच्चा बोल रहा है फिर लाओ गहलोत को, फिर लाओ गहलोत को। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक नहीं हमारे यहाँ उपस्थित कांग्रेस के उम्मीदवार जो झुन्नू से हैं, मेरे मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विनोद भुल्ला साहब, पूर्व विधायक आदरणीय बलराम सैनी साहब, कांग्रेस के उम्मीदवार भगवान राम सैनी जी, जिला अध्यक्ष दिनेश छुड़ा जी, राम निवास जी सैनी, रमेश खंडेलवाल जी, सुमिता जी चेयरमैन चिड़ावा, एमडी चौबकार जी, बीएल सैनी जी ब्लॉक अध्यक्ष, नवीन जी ब्लॉक अध्यक्ष, राजेश सैनी जी और कई हमारे नेता लोग बैठे हुए हैं, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहन और नौजवान साथियों, ये जो मैं सैलाब देख रहा हूँ उदयपुर पार्टी के अंदर, जो आप उत्साह है, इसके मायने हैं, इसके मायने ये हैं, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास मेरे प्रति जो दर्शन आपने दिखाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं चाहूँगा ये आशीर्वाद, ये प्यार, आपका विश्वास जिसके लिए मैं आया हूँ, भगवान राम सैनी के लिए सोच समझ के खड़गे साहब ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने इनको कांग्रेस का दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार कुछ कसर रह गई थी, ये कामयाब नहीं हो पाए थे और स्थिति ऐसी बनी सरकार की कमें से लेना पड़ा, अन्य एमएलए से जो पार्टी जीते नहीं थे, उन्हें बीएसपी के भी थे, अन्य लोग भी थे। भगवान राम सैनी जी इतने काम भी नहीं कर पाए, ये हारे हुए ये वकील हैं, ये प्रधान रह रहे हैं, पर ऐसा माहौल बन गया कि इनके थ्रू कोई काम हुआ ही नहीं है, इनमें इनकी गलती नहीं है, स्थिति ऐसी बन गई थी उस कारण से ये काम संभाल नहीं पाए थे। अब मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा, मौसम खराब हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। नंबर एक, आप इनको आशीर्वाद दो, कामयाब करो, बहुत ही भले इंसान हैं, नेक हैं, निर्भीक हैं, निष्ठावान हैं, प्रतिबद्ध हैं, आपके सुख दुख में काम आने वाले हैं, आपके विकास में भागीदार निभाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, दो वादे, एक तो मैं आप समझ लो कि उदयपुर वाली क्षेत्र को मैंने गोद ले लिया है,
जब गोदी ले लिया है, गोद ले लिया जब मैंने, तो आप बताइए कि इससे ज्यादा मैं क्या कह पाऊंगा आपको। एक शब्द में सब बातें आ गई, नंबर एक मैंने गोद ले लिया, नंबर दो इनको आप कामयाब करो, मैं चुनाव के बाद में इसी जगह वापस आऊंगा आपको धन्यवाद देने के लिए। माहौल आपके पक्ष में है, इस बार शानदार काम हुए, 5 साल तक कोई कमी नहीं रखी हम लोग। जो राहुल गांधी जी ने कहा था महंगाई का मुद्दा है, तो महंगाई राहत शिविर लगाया हमने, 10 शिविर, शानदार काम किया, लागू हो गए। बेरोजगारी मुद्दा है, 3 लाख नौकरियां लगाने वाला राजस्थान पूरे देश के अंदर अग्रणी श्रेणी में है, 2 लाख तो लग चुकी है, बाकी लग रही है। प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और गरीब और अमीर बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए, गरीब का भी हक है जीने का। सोशल सिक्योरिटी दे रहे हम लोग, 1000 रुपये पेंशन कर दी 500 रुपये की, 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, बूढ़े लोगों को, विधवाओं को, निस्तजनों को। और मेरा सपना है, हमारी मांग है भारत सरकार से, टाइम आ गया है जो बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, तो कम से कम हिंदुस्तान के अंदर जो रहते हैं लोग बाग, बच्चे कुपोषित भी है, गरीबी भी है, भुखमरी भी है, हर परिवार को जैसे 4 कानून बनाए थे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, और नरेगा दिया था। 5वां कानून बनाए भारत सरकार बनाए, वो क्या हो, वो हो हिंदुस्तान के हर परिवार को जिसको आवश्यकता है उनको मंथली वीकली दुनिया के मुल्कों में पैसा मिलता है जीवन व्यापन करने के लिए, पैसा हर परिवार को मिलना चाहिए। हम अभी 1000 रुपये देते हैं, एक उससे काम नहीं चलेगा, हर परिवार की जिम्मेदारी सरकार की है। ये हमारा कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, जो सरकार होती है उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों की देखभाल करे, शिक्षा का प्रबंधन करे, चिकित्सा का प्रबंधन करे, घर चलाने का प्रबंधन करे, सरकार की जिम्मेदारी, रोजगार दे उन लोगों को। इसीलिए हम देखा होगा 25 लाख का बीमा हमने किया है इलाज का, हिंदुस्तान में कहीं पर है ये, सिर्फ राजस्थान के अंदर है। केंद्र में भी 5 लाख का बीमा है, केंद्र सरकार का 5 लाख का बीमा है, हर राज्य में 5 लाख का बीमा होता है, और वो होता है 25 लोगों के लिए। हमने पूरी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब है अमीर कोई भी है, 25.5 लाख का बीमा। आर के घुटने चेंज करवा रहे हैं, कोई किडनी, कोई हार्ट, क्या क्या नहीं हो रहा है। वरना लोग उधार लेके सेवा करते थे माँ बाप की, गहने बिक जाते थे, मकान बिक जाते थे, क्यों, हम माँ बाप को जिंदा रखना चाहते हैं, ये हमारे संस्कार है। अब 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है, शानदार काम वहाँ पर हो गया। हमने कहा OP लागू करेंगे कर्मचारियों के लिए, सब कर्मचारी खुश हैं, ओल्ड एज पेंशन मिल गई उन लोगों को। हमने कहा कि गाय मर गई थी लंपी से, 40,000 रुपये दिए मैंने प्रति गाय मरने वाले के परिवार को, 40,000 रुपये दिए थे राजस्थान के अंदर। आगे 2 पशु बीमा कर रहे हैं हम लोग कामधेनु योजना के अंदर, 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हिंदुस्तान में काम मिला, केंद्र सरकार दबाव में आ गई, उन 200 रुपये कम करने पड़े उसके। इतने मैं कहना चाहूँगा, हमने महंगाई राहत शिविरों में आपको कार्ड दिए, गारंटी कार्ड दिए, लागू हो गए वो, अन्नपूर्णा योजना में किट दे रहे हैं, खाद्य सामग्री के वो अलग है, बिजली के बिल 0 हो गए हैं, 1 करोड़ लोगों को 100 यूनिट बिजली जो चलाता है उनका बिल 0 आ रहा है, 14 लाख किसान जो है 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी उनका बिल 0 आ रहा है, कई कदम उन्होंने उठाए हैं जिसके कारण से आज महंगाई में लोगों को राहत मिली है। बाकी तो कॉलेज खोलने में हम लोग पीछे नहीं रहे, कॉलेज खोले यहाँ पर राजस्थान में 310 कॉलेज खोल दी 5 साल के अंदर, रिकॉर्ड बना दिया,
130 गर्ल्स कॉलेज उसके अंदर है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। जो मांगा मुझसे मैंने कभी मना नहीं किया, इश्यू में मैंने काम किया था। मैंने कहा आपके यहाँ भी देखिए, उदयपुर वाटी में कॉलेज, गुड़ा में गर्ल्स कॉलेज खोला, गुड़ा पोंक में सावित्रीबाई फुले छात्रावास बन रहा है, उदयपुर वाटी में ट्रॉमा सेंटर देवरारा में पीएचई खोला गया, गुड़ा गोरजी को तहसील, गुड़ा पोंक और उदयपुर वाटी को नगर पालिका बनाया गया, शिवपुरा में सामुदायिक भवन बन रहा है, उदयपुर वाटी में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। आप सोचे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। गुड़ा में खेल स्टेडियम बन रहा है, खो मनसा बांध का पुनर्निर्माण मरम्मत हो रही है, आप सोच सकते हो। इस रूप में हर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में काम हुआ है। और हमें कुछ इस बात की है, अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा, अब यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं आ गई है। सिरमौरी आप जुड़ तो ओला साहब तो अब नहीं हमारे बीच में, उनके जमाने से ही पूरे शिक्षा में आप आगे रहे हमेशा। बड़े बड़े कॉलेज बिल्डिंग बन गए, स्कूल बन गए आज़ादी के पहले से ही। यहाँ के जो सेठ साहूकार थे हिंदुस्तान में जाकर के, उन्होंने आर्थिक रूप से अपना संबल दिखाया, आज ही वो आर्थिक रूप से इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। इसलिए झुंझुनू में तो वीरों की धरती है, सैनिक यहाँ के हैं। अग्निवीर योजना आ गई, बताइए आप, 4 साल की नौकरी, 18 साल में भर्ती हो, 22 साल में निकल जाओ, वो जिंदगी भर क्या करेगा। पर ऐसा माहौल बना दिया है, लोग चुप हैं, पर लोगों में आक्रोश है। झुंझुनू और शेखावटी में घर घर में सैनिक मिलेंगे, देश की रक्षा करते हैं सेना सीमाओं पर। जब कारगिल युद्ध हुआ था कितने लोग शहीद हुए थे, मैं खुद गया घर घर में, 56 जगह गया था मैं, पहली बार मुख्यमंत्री बना मैं। मुझे याद है किस प्रकार थे उनके माँ बाप, उनके दादा दादी ने कहा मुझे, साहब हम अपने दूसरे बेटे को भेजने तैयार हैं, इस जज्बा में देश प्रेम के बारे में, ये भावना थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ उन दादा दादी को। हमने भी पूरा पैकेज पूरा दिया, शानदार पैकेज दिया था, शानदार पैकेज दिया, हिंदुस्तान नंबर 1 पैकेज दिया, राजस्थान दिया था सैनिकों को, शहीदों को। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहो, काम कमी रखी नहीं है। अब भी हमने जो गारंटी दी है 10,000 रुपये महिला मुखिया को देंगे, नंबर 1। नंबर 2, सिलेंडर जो है उनकी संख्या बढ़ा देंगे। अब जो खाद्य सामग्री ले रहे हैं 1.5 लाख परिवारों को अब 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा, ये गारंटी हम दे रहे हैं। नंबर 3, छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है गोधन, गायें जो है वो मौलन फिरती है, तकलीफ देती है, दुर्घटना हो जाती है, मर जाती गाय, मर जाती है आदमी, मर जाता है। हमने तय किया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वहाँ बाड़ों में रखो, पीने का पानी मिले, चारा मिले टाइम पे, दुधारू पशु दे तो पशुपालक घर ले जाओ शाम को दूने के लिए, सुबह वहाँ पर ला के छोड़ दो। जो गोबर है गोबर सरकार खरीदेगी, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी सरकार, उस गोबर से खाद बनेगा, खेतों में काम आएगा, गोबर से गैस बनेगी, जलने के काम आएगी, बायोमास काम आएगा। ये स्कीम लागू करना चाहते हैं हम लोग। छात्रों के लिए जो है इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं हम लोग, उनकी गारंटी दे रहे हैं। मैं भी बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, आज मैं महसूस करता हूँ इंग्लिश गूगल आ गया, इंटरनेट सेवाएं आ गई, मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर आ गए, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ उससे है, आने वाली पीढ़ियों का। ये बच्चे हमारे पढ़ लिख जाएंगे इंग्लिश, दिल्ली बम्बई लंदन अमेरिका जाएंगे, IT बेस्ड एक्सपर्ट बनेंगे। ये सोच के हमने इंग्लिश स्कूल खोलने का प्रारंभ किया है। और मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री थे दोताशाह जी, तब शुरू हुआ ये, अब 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हम चाहेंगे आगे से जो मांगेगा गांव वाला उसको मना नहीं करेंगे, इंग्लिश स्कूल खुलेगी। नंबर 5, जो हमारे बच्चे 12वीं पढ़ रहे अभी वो 1st ईयर में जाएंगे,
उनको टैबलेट या लैपटॉप चाहिए, 15-20 हजार का होता है वो, 15-20 हजार का होता है वो, माँ बाप दिला नहीं सकते उसको, और उनको पढ़ाई करनी होती है आईटी बेस। सरकार सभी लाखों बच्चों को फर्स्ट में जाते ही उसको लैपटॉप या टैबलेट देगी, ये हमने प्रॉमिस की है, गारंटी कार्ड के माध्यम से करिए। इस प्रकार से ओपीएस लागू कर रहे हैं हम लोग, ओपीएस का एक्ट बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी भी बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने का हमने नियम बनाया है, उनकी वर्दी दी हम लोगों ने, बच्चों का ख्याल अलग रख रहे हैं, महिलाओं का अलग स्कीम बना रहे हैं हम लोग, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फ़ोन दे चुके हैं, 1 करोड़ महिलाओं को देना बाकी है, चुनाव खत्म होया नहीं, सरकार बनी नहीं, 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मिलने लग जाएगा, ये हमने वादा किया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप तो एक बार जो है छत्तीसगढ़ गांव के लोग यहाँ आए हुए हो, मैंने सुना कि ए भाई शांत रहो, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है ये माली समाज का ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं, मैं माली हूँ, मुझे गर्व है, पर मैं माली समाज का हूँ, पर सुनिए आगे सुनिए, मैं राजस्थान का भी माली हूँ, मैं राजस्थान का माली हूँ। एक माली जो होता है वो बगीचे में क्या करता है, फूल को पत्तियों को सजा के रखता है, सुंदर गार्डन होता है, बगीचा कितना सुंदर दिखता है, बड़े बड़े बगीचे देश दुनिया के अंदर है, उनको माली उसकी रक्षा करता है, सजा के रखता है, सभी तरह के फूल हो, सभी तरह के पौधे हों, विभिन्न रंग के फूल होते हैं, कितने खूबसूरत लगता है गुलदस्ता भी अच्छा लगता है। तो मुझे आपने जिम्मेदारी दी है राजस्थान प्रदेश के माली के रूप में, मैं पूरे प्रदेश के माली जो है, छत्तीसगढ़ गांव के लोग हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, और साथ में मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कैसे विकास का गुलदस्ता तैयार करूँ। तो मैं एक माली का काम कर रहा हूँ राजस्थान भर के लिए, उसमें आपके आशीर्वाद में कामयाब हुआ हूँ, इस बात की आप खुश होनी चाहिए। आज राजस्थान की चर्चा पूरे दुनिया में चल रही है, हिंदुस्तान में चल रही है। कोरोना आया, शानदार प्रबंधन हमने किया, किसी को मरण नहीं दिया ऑक्सीजन से, बीरवाड़ा बॉर्डर हमारा चला गया दुनिया तक मुल्कों के अंदर, दवाएं लाने के चार्टर प्लेन किए हम लोगों ने। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मुझे खुशी है राजस्थान वासियों ने किसी ने भूखा नहीं सोने दिया, धर्मगुरुओं ने, एनजीओ ने, संस्थाओं ने सबने अच्छा काम किया। वही भावना में अभी जाके केरला में देखा, मैं 70 साल से सरकार, एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। इस बार मुझे कहा उन्होंने कि साहब इस बार तो वापस रिपीट होगी, कम्युनिस्ट पार्टी आएगी। मैं कहा वो क्यों भाई, क्या इसलिए आएगी साहब, कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैंने मन में कहा यहाँ कोरोना में अच्छा काम किया, सरकार वापस रिपीट होगी वहाँ पर, तो राजस्थान में तो हमने इतने शानदार काम किए हैं, उसके अंदर कोरोना के अलावा भी कोई कमी रखी नहीं है, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी में, बिजली में, सड़कों में, पेंशन में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। वो सरकार रिपीट हो सकती है, तो ये सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती, जवाब मुझे आप दे दीजिए। आप समझ गए पॉइंट को, ये सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती बता सकते हैं हम लोग, रिपीट होके रहेगी, ये आपका संकल्प होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ मुझे यकीन है कि आप लोग इस बार सरकार रिपीट करेंगे। केरला में हो गई सरकार रिपीट कोरोना के नाम से, भाई संतरण कोरोना में हो गई सरकार रिपीट, ये सरकार क्यों नहीं रिपीट हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान जो माहौल बना है, आप कहीं जाओगे लोग कहेंगे आपको साहब सरकार के खिलाफ कोई पॉइंट हमारे पास कहने को नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी जो लोग नहीं हैं वो भी कहेंगे साहब सरकार ने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा
कृपा करके आप सरकार तब बनती है तब वहाँ के MLA जीतता है। आपकी इच्छा भी है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मैं मेरी सरकार वापस रिपीट हो, सरकार हमारी बने कांग्रेस की, उससे काम नहीं जाने वाला है। सरकार तब बनेगी तब भगवान राम सैनी जीतेगा, तब सरकार बनेगी। इतने में आपसे अपील करूंगा, कृपा करके एक बार सारे लोग जो हैं, मैंने वादे किया गोद लेने का वादा किया, नंबर एक, जीता हो चुनाव वापस धन्यवाद देना आऊंगा इसी जगह पर, दो, नंबर तीन, जो जिम्मेवारी मुझे आपने सौंपी है, आपका समाज का एक सेवक, अगर वो कामयाब होता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अच्छी सरकार चलाता है, तो शोभा किसकी होती है, समाज की भी होती है, कि माली समाज का एक कार्यकर्ता शासन कर रहा है। आप सोच लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के लोगों में कहना चाहूँगा, कृपा करके इस बार आप जो है हमारे उम्मीदवार जुनू से बीरेंद्र ओला जी हैं, नवलगढ़ राजकुमार शर्मा जी हैं, मंडावा से सीता चौधरी जी है, सूरजगढ़ से शरण कुमार जी है, पिरानी से पीताराम जी काला है, और खेरली से मनीषा गुर्जर है, और भगवान राम सैनी जी आपके उदयपुर पार्टी से। मैं चाहूँगा आप सब जो है एक बार संकल्प के जाओगे, इस बार एक एक वोट, सभी जाति बिरादरियों को मैं आह्वान करूंगा, एक एक वोट एक भले इंसान को जिसको मौका दिया, पार्टी दूसरी बार प्रधान रह चुका है, वकील रह चुका है, अच्छा कार्य करता है, और मैं आपको वचन देता हूं, चुनाव जीतने के बाद में लगातार ही आप बीच में आते जाते रहेंगे, नंबर एक, नंबर दो, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, नंबर तीन, विकास में भागीदारी निभाएंगे, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा मिलूंगा आपको, ये मैं वादा करना चाहता हूँ। अंत में मैं आपसे अपील करूंगा, आप सब लोग एक साथ हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, आप इनको जीता के भेजोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हेलीकॉप्टर का मामला इसलिए मुझे भागना पड़ रहा है, बहुत आपका धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की उपस्थिति में हमारे कुछ साथी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, श्री विजय पाल जी भाटीवार, श्री ख्याली राम जी पूर्व सरपंच, श्री हंसराज जी कबीर, श्री सोहनलाल जी मास्टर, श्री धन्नाराम जी बागोड़ा, श्री सत्य कुमार जी तानिया, श्री अर्जुन वर्मा जी और श्री रोशन वर्मा जी, और हमारे NSY के साथी माननीय मुख्यमंत्री जी को हल भेंट करके उनका अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अशोक गहलोत।